सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मानसून का सिलसिला जारी है, मगर दूसरी तरफ बिजली की लोड शेडिंग और जगह जगह पानी खड़ा रहने से इलाके की आवाम शदीद परेशान है। खैरपुर नाथन में बारिश के बाद की सूरत हाल पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे अहमद हुसैन चांडियो से। जी अहमद, क्या सूरत हाल है आपके इलाके में? जैसे कि आज बारिश के बाद जो इलाके में बहुत इंजॉय कर रहे हैं, तकरीबन 45 से 47 सेंटीग्रेड की जो गर्मी की मार दी गई है, जिसके बावजूद यहाँ बरसात के बाद उस गर्मी का जो है वो कम किया है। इलाके में कि लोग इंजॉय कर रहे हैं बरसात के आराम से, उसकी बात की जाए गर्मी का जोर टूटने के बाद भी लोग अपने घरों से बाहर निकला। खबर शामिल करते हैं पट ईदन से। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक जिस कम रहनुमा डॉक्टर नियाज कालानी, पनहल सारियो, चाचे सरफराज मेमन और आसिफ राहोजो ने नेशनल प्रेस क्लब नौशहरो फरोज में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हुकूमत सिंध की जानिब से कौम परस्त कारकुनों की बेगुनाह गिरफ्तारी पर इतवार के रोज़ नवाबशाह प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी धरना और पूरे शहर में मुजाहरे किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बहरियाटा मनसूबा एक सिंध दुश्मन मनसूबा है, लेकिन हमारे अंदर का गैरत निकल जाए और हम सब एक हो जाएं तो इस बहरियाटा के मालिक को उसके सामान समेत घर भेज देंगे। कौम परस्त रहनुमा और जिसकम रहनुमाओं का एक ही मकसद है कि बहरिया टाउन मनसूबे बंद कराए जाएं, और दूसरा मकसद जब तक कौमी कारकुनों को आज़ाद नहीं किया जाता हम चैन से नहीं बैठेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि जिसकम चेयरमैन मोहतरम सिनान खान कुरेशी को फौरी रिहा किया जाए, और मेरे सिंधी भाइयों से अपील है कि इस धरने में लाखों की तादाद में शामिल होकर धरने को कामयाब बनाएं ताकि दुश्मनों को पता चल सके कि सिंध के हक पर डाका डालना गलत है। जिसने भी सिंध धरती की जानिब मैली आंख से देखा हम उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। खबर शामिल करते हैं टंडोला यार से। हमारे रिपोर्टर के मुताबिक टंडोला यार की प्राइमरी उस्तादों के ने अपने अफसरान को चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर दी। इस मौके पर इनका कहना था कि हमारी तंजीम जिला भारत के प्राइमरी उस्तादों के हक के लिए हमेशा आवाज बुलंद करती रहेगी और हम अपने टीचर्स की तरजीह नहीं होने अंदर असाई बायोमेट्रिक नदी मटी मटाई नदी वने छोड़ती मटाई वने बेंजी मटाई वई है असाई नदी मटाई वने छोड़ती मटाई वने अस तालबो ते जे जगह ते कम करू मेहरबानी कर बायोमेट्रिक मटाई वने 20 जरूरत में अति अन्या वधी कुछ कदम खान चलाओ। ये बिल्कुल पूरा मन है। अभी डीओ साहब ने एक और जो है असाजा के साथ ज्यादती की है कि पुलिस को इतला दी है कि असाजा जो है दहशतगर्दी कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं। आप लोग सब गवाह हैं कि हमारा एहतजाज पूरा मन है और हम अपने मुतालबात के मंजूर होने तक इसको जारी रखेंगे। इंशाल्लाह उस्ताद इत्तेहाद के साथ साबित कदम है और इंशाल्लाह रहेगा। उस्तादन जो एहतजाज एजाज गुहार लाशारी डीओ जो को रिश्वत खोर पा है उनका कोई मुसो बदनवान पा है पंजा जगह से ट्रिब्यूनल ठा है पंजा ऑर्डर करे बगैर बायोमेट्रिक स्कूल तो मोकले उस्तादन की तसलील पो करे उन्हें पट से विहारे जो सो उन्होंने पेशी पो करे वो चवणी में है तो कयो भी जहान खान हलो भी जहान खान वट हिको सो डीओ असो है बदमाशू पो करे उस्तादन से असो सो रिक्वेस्ट करूँ था बाला ऑफिसर के इंतजामिया के एडुकेशन आम इंतजामिया के खिलाफ जो सो नोटिस वरत वे इनके सो ट्रांसफर किया वे टंडोल यार जो सो इनका खाली कराया वे। भाई ये हमारा जो करप्ट और राशि ऑफिसर है एजाज गोवार लाशारी और डिप्टी डीओ और शौकत मल्ला और अजीज चौहान, इन्होंने रिश्वत की बाजार इधर गर्म कर रखी है और उस्तादों को नाजायज़ ऑफिस में बुला के उनको तंग कर रहे हैं, और ख्वातीन जो टीचर्स हैं उनको भी वो बहुत तंग कर रहे हैं और घंटों घंटों तक उनको फर्श पे बिठाते हैं और खुद ऑफिस में नहीं होते हैं, खुद एब्सेंट होते हैं। उनको बुलाते हैं आप आ जाओ, आज भी आप देखो अभी जाकर देखो उस्ताद बैठे हुए हैं सुबह 9 बजे से ऑफिस में बैठे, वो खुद नहीं है, वो खुद जो है मजे कर रहा है कराची हैदराबाद के, और इधर उस्ताद जो है उसकी तदलील हो रही है, उस्ताद जलील हो रहा है और रिश्वत का बाजार करने के लिए अफसरान से जंग करते रहेंगे। इन ख्याल का इजहार आल सिंध प्राइमरी टीचर्स के जिले सदर मोहम्मद जुम्मन जरवार, सीनियर नायब सदर मुबीन, जनरल सेक्रेटरी मुख्तार अली, तालका झंडो मरी के सदर मोहम्मद आरिफ मोहम्मद उमरानी, जनरल सेक्रेटरी अख्तर हुसैन, टंडोल बाजार के सदर असलम जरवार, जनरल सेक्रेटरी मुख्तार फकीर, तालका चंबड़ के सदर मोहम्मद खान, जनरल सेक्रेटरी महरम लगारी व दीगर ने जनरल ने चार्टर ऑफ डिमांड पेश करने वाली मीटिंग के दौरान इजहार ख्याल करते हुए कहा। इनका कहना था कि टीचर्स के तमाम हकूक़ के लिए जदोजहद का सिलसिला जारी रहेगा। उन्होंने टीचर्स पर जोर दिया कि वो एक प्लेटफार्म पर मुतहद रहें
ताकि अपने हकूक के लिए बेहतर से बेहतर अंदाज में काम किया जा सके। कैमरा टीम के साथ तारक हमीदाबाद से टंडोला। खबर शामिल करते हैं थारू शाह से। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक थारू शाह और गर्द नवा में तेज हवाओं के साथ मौसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। थारू शाह शहर के मुख्तलिफ इलाके 20 मिनट की बरसात में जेरे आब आ गए। हरिपुर रोड, अंडियारों समेत सब्जी मंडी, मार्केट, चौक और मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी जमा हो गया। नमाज जुमा के बाद काले बादल उमंड आए और देखते ही देखते बादलों ने बरसना शुरू कर दिया। बारिश के सबब थारू शाह के मुख्तलिफ इलाकों में फिसलन के बाइस मुतअद्दिद मोटरसाइकिलें स्लिप हो गईं।